तिरुपति बालाजी के रहस्य, जिसे वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। भारत में कई चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर हैं, जिसमें दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर विशेष है। भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये मंदिर भारतीय वास्तु और शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में तिरुमला पर्वत पर है और ये भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से कई रहस्य जुड़े हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल लगे हैं, जो कि असली हैं। ये बाल कभी भी उलझते नहीं हैं, हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान खुद विराजमान है। जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है, लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ है। ये भगवान का चमत्कार है, इसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। मान्यता है कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। तिरुपति बाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। ये विशेष पत्थर से बनी है। ये प्रतिमा इतनी जीवंत है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान है। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है, पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं। इसीलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला पदार्थ जैसे कि फल, फूल, दूध, दही, घी, मक्खन सब इसी गांव से आता है। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर का श्रृंगार हटाकर स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है और इस लेप को जब हटाया जाता है तो अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी की आकृति दिखाई देती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दीपक हमेशा जलता रहता है और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि ये भी पता नहीं कि दीपक को सबसे पहले किसने प्रज्वलित किया। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि यह कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मंदिर में मुख्य द्वार के दरवाजे पर दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई है। तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। ये भी अनुभव किया जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है। ये मंदिर मेरु पर्वत के
सपत शिखरों पर बना हुआ है, जो कि भगवान शेषनाग का प्रतीक है। इस पर्वत को शेष अंचल भी कहा जाता है। इसकी सात चोटियां शेषनाग के सात फनों का प्रतीक है। इनमें से वेंकटाद्री नामक चोटी पर भगवान विष्णु विराजमान है, जो भक्त और श्रद्धालु वैकुंठ एकादशी के अवसर पर भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने के बाद व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है।